आज हम बात करेंगे टॉप 20 स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जो ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं या कुछ भी नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि अपना बिजनेस करें और नौकर बनने की बजाय नौकरियां दें, लेकिन सोचते हैं कि क्या करें और कौन सा बिजनेस शुरू करें। तो हम आपसे कुछ आइडिया शेयर करते हैं जिसमें आप अपनी टैलेंट और स्किल्स के मुताबिक कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ अपने कारोबार को बढ़ाकर अपनी आमदन को भी बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी करोड़पति और अरबपति चंद दिनों में नहीं बना और न ही कोई एकदम कारखानों और कंपनियों का मालिक बना, बल्कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरू किया था और आज कामयाब तरीन बिजनेसमैन है। तो लिहाजा आप भी शुरू करें, मेहनत और लगन से काम करें और कामयाब बने। आइडियाज़ की तरफ आते हैं। ऑटो मोडिफिकेशन एंड ऑटो वर्कशॉप, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। आजकल ज़्यादातर स्टाइलिश लोग ऑटो मोडिफिकेशन में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से हैं जो कार मोडिफिकेशन में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये कारोबार आपके लिए है, जो आप बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और अच्छे मैकेनिक हायर करके आप किसी भी शहर में ये काम शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल, आजकल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और हर कोई चाहता है कि वो गाड़ी चलाए और ड्राइविंग सीखे, जिसके लिए लोग ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। और आप भी पुरानी गाड़ियाँ ख़रीद कर अच्छे ड्राइवर्स को हायर करके अपना ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं। ट्यूशन सेंटर, दोस्तों ट्यूशन सेंटर आजकल एक अच्छा मार्केट बन चुका है बिजनेस का, और ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज के बाद ट्यूशन सेंटर्स में भेजते हैं और भारी भारी फीसें भी अदा करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, तब भी आप ट्यूशन सेंटर और कोचिंग एकेडमी खोल सकते हैं और अच्छी खासी कमाई के साथ साथ इल्मी दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। दोस्तों एजुकेशन बुक स्टोर, ये भी एक अच्छा कारोबार है, क्योंकि निसाबी किताबें हर तालिब इल्म ख़रीदता है और गैर निसाबी किताबें जो हैं कुतुब बीनी के जो शौकीन लोग होते हैं वो भी ख़रीदते हैं, और ये किताबें बार बार ख़रीदी जाती हैं। प्रिंटिंग एंड फूड स्टेट शॉप, ये भी एक अच्छा आइडिया है। आप किसी भी तालीमी इदारे के करीब खोल ले तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर पाएंगे। कंप्यूटर सर्विसेज, कंप्यूटर के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और आप अगर कंप्यूटर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें, तो आप कंप्यूटर की इस दुनिया में, आप कंप्यूटर के बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ड्रोन कैमरा बिजनेस, आप ड्रोन कैमरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक उभरता हुआ बिजनेस है और लोग ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, तो आप ड्रोन कैमरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बेल्ट एंड टी शर्ट शॉप, आप बेल्ट एंड टी शर्ट शॉप भी खोल सकते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स और वैरायटी के अच्छे डिज़ाइन के टी शर्ट्स और बेल्ट रखें, और लोग हर किस्म के ताकि लोग हर किस्म के बेल्ट और टी शर्ट्स ख़रीद सकें। टी एंड कॉफ़ी शॉप, ये भी एक मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि ज़्यादातर लोग थकावट को कम करने के लिए टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं और होटलिंग की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं मुस्तकबिल में। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, आजकल इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करना और इस तरह डेकोरेशन वगैरह को जानते हैं और क्रिएटिव हैं और कुछ ना कुछ कन्विंसिंग पावर रखते हैं, तो फिर ये कारोबार आपके लिए है। आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र बनकर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं।
फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप, ये भी एक अच्छा आइडिया है। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं। बाइक एंड कार वॉश सर्विस, ये भी लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा बिजनेस है। और अगर इसके साथ साथ आप कार डेकोरेशन वगैरह का जो सामान है वो भी आप फरोख्त कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। जूस एंड आइसक्रीम शॉप, ये भी एक सूदमंद और मुनाफा बख्श कारोबार है। और लोग फ्रेश और हेल्थी ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। मिल्क बिजनेस, ये भी एक ज़बरदस्त आइडिया है। और आप दूध सप्लाई कर सकते हैं दुकानों, घरों और होटलों वगैरह को, और आप ख़ुद अपना दुकान खोलकर भी मिल्क बेच सकते हैं। फिटनेस सेंटर, एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है और इसके लिए फिटनेस सेंटर्स ज्वाइन करता है। तो फिटनेस सेंटर खोलना भी एक अच्छा आइडिया साबित हो सकता है। पार्किंग बिजनेस, बाइक एंड कार पार्किंग बिजनेस भी एक अच्छा कारोबार है जो आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। टिकट बुकिंग, टिकट बुकिंग सर्विस भी आप शुरू कर सकते हैं। आप ट्रेन, जहाज और बसेस वगैरह के टिकट बुक करें और ख़ुद की टिकट बुकिंग एजेंसी खोल सकते हैं। सीसीटीवी एंड सोलर इंस्टॉलेशन, ये भी एक उभरता हुआ बिजनेस है। अगर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या इस तरह के लोग हायर कर लें जो इंस्टॉलेशन में माहिर है, और आप सीसीटीवी और सोलर वगैरह के जो मटेरियल हैं वो बड़ी तादाद में फरोख्त कर सकते हैं। टॉय शॉप, बच्चे खिलौना पसंद करते हैं और जहाँ पर जिस घर में बच्चे होंगे वहाँ खिलौने ज़रूर होंगे, तो आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। और बच्चे खिलौने बार बार ख़रीदते हैं और एक अच्छा बिजनेस है। वीडियोग्राफी सर्विस, आप वीडियोग्राफी सर्विस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपने यादगार लम्हों को वीडियोस की शक्ल में महफूज बनाएं। और अगर आपको वीडियोस बनाना आता है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। और आप अब बाद में ख़ुद का प्रोडक्शन हाउस वगैरह भी बना सकते हैं अगर आप शौक़ और लगन के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बन सकती है और किसी का करियर बिल्ड हो सकता है और किसी की ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो सकती हैं। तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।